एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली चौहान, फाउंडर ऑफ वैल्यू वेलनेस। सच बताऊं तो वैल्यू वेलनेस क्रिएट करने के पीछे ना कोई स्टोरी थी, ना कोई बहुत बड़े ड्रीम्स थे, बस एक सिंगल मोटिव था, ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द क्लाइंट एंड सिंगल इंडिविजुअल। बीइंग अ डॉक्टर, व्हेन आई विजिटेड सो मेनी वेलनेस ब्रांड, आई हैव सीन कि हम वो ट्रांसपेरेंसी अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने गेस्ट के साथ, अपने पेशेंट के साथ नहीं रखते जो कि हमें रखनी चाहिए। तो वो अंदर से ना, वो एक चीज मेरे अंदर रहती थी कि आई शुड मेक सम प्लेस वेयर पीपल कैन फील देमसेल्फ, पीपल कैन फील योरसेल्फ एंड वैल्यू योरसेल्फ। बीइंग अ डॉक्टर, आई बीन टू सो मेनी ब्रांड्स ऑफ वेलनेस, बट जब मैं देखती थी कि क्लाइंट आ रहे हैं, उनको जो ट्रीटमेंट्स बताए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा सेल्स ओरिएंटेड है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके साथ वो ट्रांसपेरेंसी नहीं की जा रही है, किसी को भी ना नहीं बोला जा रहा है कि आपको ये ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, या आप इसकी जगह पे ये वाला कर लीजिए, या आप थोड़े दिन रुक कर फिर ट्रीटमेंट करिए, जो कि मुझे अंदर से बहुत खराब लगता था। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, आपके ऊपर जब लोग बिलीव करते हैं तो उस बिलीव को आपको कैरी करना होता है, क्योंकि आप अगर पानी भी देते हैं और आप बोलते हैं कि ये मेडिसिन है तो सामने वाला इंसान ले लेता है। तो अंदर से मुझे बहुत ज्यादा, मेरी कॉन्शियस उस चीज को अलाउ नहीं कर रही थी। अगर मैं छोटी सी बात करूं जो कि मार्केट में भी बहुत ज्यादा इन है, हाइड्रा ट्रीटमेंट। तो हाइड्रा ट्रीटमेंट जब हम देखते हैं तो हमें ये पता ही नहीं है कि हाइड्रा ट्रीटमेंट किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन से वेदर में लेना चाहिए, हाउ मेनी सिटिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रा, विच वेदर इज करेक्ट फॉर द हाइड्रा, एंड विच स्किन इज सुटेबल फॉर द हाइड्रा ट्रीटमेंट। हाइड्रा की एक मशीन है, सारे बहुत सारे सेंटर्स में वो अवेलेबल है, कहीं पे 2500 में, कहीं पे 3500 में, एक नॉर्मल SOP नहीं है। अगर हमें जेल लगाना है हाइड्रा में तो उसे किस स्किन में लगाना है, जरूरी नहीं है कि हाइड्रा की जो SOP है वो सेम SOP हर फेस पे हो। मुझे लगता था हमें हर किसी क्लाइंट को, हर किसी पेशेंट को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करना है, जो आया है उसके लिए एक नए तरीके का हाइड्रा, एक नए तरीके की SOP, और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद मेरे काउंसलर और मेरे थेरेपिस्ट उस चीज को ले। उसी एक मोटिव ने मुझे कहा कि हमें एक वैल्यू बनाना चाहिए जहाँ पे लोग अपने आप को वैल्यू दें। अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, कोई बहुत बीमारी है, देन यू शुड गो टू द हॉस्पिटल। अगर आपको हेयर कट कराना है, मैनीक्योर पेडीक्योर कराने हैं बहुत अच्छे, देन यू शुड विजिट अ सैलून। बट अगर आपको नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल वेलबींग एंड नॉर्मल लाइफ में क्या क्या चीजें आपको मेंटेन रखनी है, इसके लिए वेलनेस सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे आप जाकर अपनी छोटी सी प्रॉब्लम की, मेरी स्किन ड्राई क्यों हो रही है, मुझे सनब्लॉक कब लगाना चाहिए, मेरे हेयर्स तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या मुझे लेजर कराने की जरूरत है कि नहीं, अगर मैं स्लिमिंग के लिए मसाजेस करा रही हूँ तो वो मुझे कितनी करानी चाहिए, कितने इंटरवल में करानी चाहिए, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए ठीक है कि नहीं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एक जगह पे अपने क्लाइंट्स को देना चाह रही थी, और उसी वजह से मैंने वैल्यू क्रिएट किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर गुड सपोर्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 12 हैबिट्स के बारे में, जो कि हमें सिर्फ दिन में 12 वो हैबिट्स फॉलो करनी है, चाहे हम किसी भी बीमारी में हो, चाहे किसी भी नॉर्मल फेज में हो, अगर हम वो 12 हैबिट्स फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छा लाइफ अचीव करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच।